नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पंडित और आप देख रहे हैं जीएस मंत्रा। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। देखिए, तीन गोलमेज सम्मेलन कुल हुए थे, लेकिन शुरुआत जो पहले गोलमेज सम्मेलन से हुई वो कब, कैसे और क्यों हुई, इसके बारे में पहले हम जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात हम अलग वीडियो में करेंगे। इसमें हम बात करते हैं पहले गोलमेज सम्मेलन की। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अगर हम देखें तो शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत ऐसे हुई कि जब 1919 का एक्ट आया, 1919 का जो एक्ट आया उसमें एक्ट के साथ ही ये कहा गया था कि 10 वर्ष के पश्चात सरकार इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन करेगी। अर्थात 1919 का जो अधिनियम था उसकी समीक्षा के लिए 1929 में एक आयोग का गठन किया जाना था, लेकिन 1929 के बजाय 1927 में ही, दो वर्ष पहले ही, साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया, जिसे भारतीय विधिक आयोग कहा गया था। तो साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया 1927 में। उसमें सभी सदस्य 7 के 7 श्वेत सदस्य थे, जिसके कारण उसका व्यापक विरोध हुआ भारत में कि इसमें सभी तो 7 ब्रिटिश हैं तो भारत के बारे में ये कैसे समीक्षा कर सकते हैं, इसमें भारतीय सदस्यों का होना जरूरी है। साइमन कमीशन का अलग वीडियो हम डाल चुके हैं पहले से ही, इस चैनल पे आपको साइमन कमीशन का वीडियो मिल जाएगा, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप साइमन कमीशन के बारे में गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए, साइमन कमीशन ठीक से अपनी रिपोर्टें दे नहीं पाया, उसने जाँच के बाद जो रिपोर्ट दी वो पर्याप्त नहीं थी, और तत्कालीन भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, दोनों के बीच ये सहमति हुई 1930 में कि साइमन कमीशन की रिपोर्टें अपर्याप्त भी हैं और पूर्ण रूप से पारदर्शी भी नहीं हैं। तो इसके लिए एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाना चाहिए जिसमें भारतीय प्रतिनिधि भी हों, ब्रिटिश प्रतिनिधि भी हों, और सबके सामने इस पर विचार किया जाना चाहिए, किसकी क्या मांग है इस पे बात होनी चाहिए। तो ये ऐसा पहला सम्मेलन था जिसमें भारतीयों को ब्रिटिशर्स के बराबर का दर्जा दिया गया। गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये पहला अवसर था जब भारतीयों को ब्रिटिशों के बराबर का दर्जा दिया गया। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कांग्रेस ने और अधिकांश व्यावसायिक दलों ने इसका विरोध कर दिया, व्यावसायिक संगठन और कांग्रेस इसके खिलाफ थे, उन्होंने बहिष्कार किया, इनकी तरफ से कोई भी सदस्य प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने नहीं गया। लेकिन कुल 89 प्रतिनिधियों ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, वो अलग अलग जगहों से, अलग अलग संगठनों से और अलग अलग समुदायों से थे। तो ये जो समुदाय थे, संगठन थे, ये तीन प्रकार में विभक्त थे, इनको मुख्य रूप से हम तीन प्रकार में समझ सकते हैं। तीनों ब्रिटिश दल, पहला तीनों ब्रिटिश दल, ब्रिटेन में तीन दल थे, लिबरल, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी, जिसे श्रमिक दल कहते हैं। तो इन तीनों दलों से प्रतिनिधियों ने भाग लिया सम्मेलन में। उसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश भारत से मनोनीत सदस्य, ब्रिटिश सरकार ने मनोनीत किया ब्रिटिश भारत से मनोनीत सदस्यों को कि ये जाएंगे वहां पर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, और देसी रियासतों के प्रतिनिधि या फिर स्वयं नरेश। तो 16 देसी रियासतों के नरेशों ने भाग लिया था। सिख समुदाय के लोग गए थे, दलित वर्ग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए थे वहां पर भाग लेने गोलमेज सम्मेलन में। इसी तरह से अलग अलग समुदायों से कुल 89 सदस्यों ने भाग लिया था, 89 प्रतिनिधि वहां पर गोलमेज सम्मेलन में बैठे थे। अब वहां पर जब गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया तो उसमें जाने में भी, प्रतिनिधियों के जाने में भी, जो मनोनीत सदस्य थे ब्रिटिश सरकार द्वारा गए थे, उसमें भी पक्षपात का रुख अपनाया गया कि यहाँ पर सम्मेलन में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। इसमें ब्रिटिश भारत सरकार जो थी उसने पक्षपात का रुख अपनाया, और उसमें ये ध्यान रखा गया कि कौन अंग्रेजी शासन को पसंद करने वाला है और कौन स्वशासन की मांग करने वाला है। तो जिसकी ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा थी ज़्यादा, वही लोग भेजे गए थे। और कांग्रेस ने तो पहले से ही बहिष्कार कर रखा था, व्यावसायिक संगठन जो थे उन्होंने पहले से बहिष्कार कर रखा था, जो बड़े बड़े लोग थे वो तो गए ही नहीं। फिर जब लोग वहां पहुंचे तो किसी में आपसी सुलह समझौते की भावना थी ही नहीं,
कि हम राष्ट्रीय स्तर की मांगे उठाएं। सब अपने अपने दल से, अपने अपने संगठन के महत्व की चीज़ें, या अपने अपने वर्ग या संप्रदाय से जिससे वो गए थे उसके महत्व की चीज़ें मांग रहे थे वहाँ, कि हमको लाभ मिल जाए, बाकी कुछ फ़ायदा हो ना हो, सम्मेलन का कुछ निष्कर्ष निकले ना निकले। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वहाँ मांग की कि हमको यहाँ पर पृथक प्रतिनिधित्व या पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी जाए, भारत में पृथक निर्वाचन दलितों के लिए व्यवस्था की जाए। अल्पसंख्यकों की भी यही मांग थी कि हमारा पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हो। मुसलमानों ने मांग की हमारी पृथक निर्वाचन हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन की मांग की, लेकिन अन्य लोग इससे सहमत नहीं हुए। तो कुछ लोग इस पक्ष में, कुछ लोग उस पक्ष में, अलग अलग प्रकार की बातें होती रहीं, और फिर आखिर में जो निष्कर्ष निकला वो ये था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन निरर्थक रह गया, कोई फायदा, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जब 19 जनवरी 1931 को समाप्त हुआ प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो उसका कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल सका था कि इसमें क्या निर्णय लिया गया है। संघीय शासन, भारत को एक संघ होना चाहिए, इस पर निर्णय लिया गया, जो कि पहले से ही मांग चली आ रही थी और होता भी रहा था। केंद्र में द्वैध शासन की मांग होगी, प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी जाएगी। बस इन्हीं सब छोटे मोटे मुद्दों पर बातें अटक गई, किसी ने पूर्ण स्वराज्य की मांग नहीं की वहां पर, ना तो ये मानी जा सकी। किसी ने राष्ट्रीय स्तर के किसी मुद्दे पर बात नहीं की, किसी ने किसानों के लिए बात नहीं की, किसी ने वहाँ जमींदारों की बात नहीं की, तो इन सब चीज़ों पर वहाँ मुद्दे पर बात ही नहीं हो पाई। तो कुल मिलाकर ये जो सम्मेलन था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये एक सम्मेलन ही रह गया, सम्मेलन का कोई निष्कर्ष नहीं मिल पाया। समस्याएं सबने गिनाई, समस्याएं सबकी थीं, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष भी नहीं दे सका, कोई उस समस्या का समाधान प्रस्तुत करने के लिए आगे आया ही नहीं। समस्या सबकी थी, समाधान किसी के पास नहीं। और खास बात ये कि ब्रिटिश सरकार भी यही चाहती थी कि समस्याएं बनी रहें, समाधान अगर वो देने लगेंगे तो समाधान देने पर के ही होंगे, हमेशा से ये उनकी नीति रही थी कि समाधान अगर दिया तो फिर इनको तो पूर्ण स्वराज्य देना पड़ेगा। कांग्रेस ने इसीलिए बहिष्कार किया था क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि वहाँ जाने के बाद भी कुछ मिलने वाला है। बड़े बड़े व्यावसायिक संगठन अपने कार्यों में व्यस्त रहे, वहाँ गए ही नहीं कि वहाँ जाने के बाद कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं। और आखिर हुआ वही, प्रथम गोलमेज सम्मेलन पूरी तरह से विफल रहा, कुछ हो नहीं पाया उसमें। उसके बाद फिर द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। और प्रश्न आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में उपस्थित हुए। कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे, सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था इस सम्मेलन का। तो ये थी जानकारी प्रथम गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का एक वीडियो हम आपको जल्दी ही बना कर देंगे, उसमें बताएंगे क्या हुआ। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए तो क्या हुआ, तो उन्होंने क्या क्या मांगे रखी, क्या क्या निष्कर्ष निकले। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और भी लोगों को जोड़िए चैनल से। तो चलिए, देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।